हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। ये तो सबको दिखाई दे रहा है कि देश में कोरोना से जो हालत खराब हुई थी उसमें लगातार सुधार हो रहा है, नए केसेस की संख्या में लगातार कमी आ रही है, पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, हॉस्पिटल्स में मरीजों की संख्या घटने लगी है। लेकिन इन सब से अलग एक चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि इस बार कोरोना के सीरियस केसेस ज्यादा हैं, इस बार मरने वालों की संख्या ज्यादा है। ज्यादातर राज्यों से जो डेटा आया है उससे पता चलता है कि कोरोना के पॉजिटिव केस तो कम हुए हैं, लेकिन आईसीयू बेड्स पर जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या में ज्यादा कमी नहीं आई। नॉन आईसीयू पेशेंट तो बड़ी तादाद में ठीक हुए हैं, घर जा रहे हैं, लेकिन जो पेशेंट आईसीयू में हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, उन्हें ठीक होने में लंबा वक्त लग रहा है। और डॉक्टर्स इस बात से दुखी हैं कि एक्टिव पेशेंट्स में मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा है, वो अपने पेशेंट्स को बचा नहीं पा रहे। और डॉक्टर्स की यह चिंता आंकड़े साबित करते हैं। आज जो फिगर्स आई उसके मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 196,427 नए केसेस सामने आए, जबकि 4 हफ्ते पहले यह फिगर 4 लाख से ज्यादा थी। नए केसेस कम आ रहे हैं लेकिन मरने वालों की संख्या में ज्यादा फर्क नहीं आया। पिछले 24 घंटों में 3,511 मरीजों की मौत हुई, 4 हफ्ते पहले भी लगभग यही फिगर थी। दिल्ली में आज सिर्फ 1,568 केस मिले लेकिन 156 लोगों की मौत हुई। मुंबई में 1,037 केस हैं लेकिन 37 लोगों की मौत हुई। यूपी में 3,957 नए केसेस सामने आए लेकिन मरने वालों की संख्या 163 है। कोरोना से अगर एक भी व्यक्ति की मौत होती है तो ये दुख की बात है। मौत कम नहीं हो रही, ये चिंता की बात है। लेकिन हमारा अपना दर्शन है, फिलॉसफी है, हम मान लेते हैं जीवन मरण तो ऊपर वाले के हाथ में है, ये कहकर अपने आप को दिलासा देते हैं, जिसके परिजन गए उनको दिलासा देते हैं। लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब मौत को राजनीति का औजार बनाया गया। और आज सबसे पहले मैं आपको यही दिखाता हूं, सियासत के चक्कर में, क्रेडिट लेने के चक्कर में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसा फरमान जारी किया जिससे सुनकर हैरानी हुई, दुख भी हुआ। झारखंड के चीफ मिनिस्टर ने कहा उनकी सरकार अब सबके लिए मुफ्त में कफन का इंतजाम करेगी। अब कोरोना से मरने वालों को सरकार मुफ्त में कफन देगी। हमारे रामेश्वर उरांव जी ने दुकानों को बंद होने के वजह से कफन की कमी आ रही है, बन्ना गुप्ता साहब ने भी इस बात को कहा है, और हम सब मिलकर आज ये निर्णय लेते हैं कि राज्य में किसी को भी कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी लोगों को कफन मुफ्त दिया जाएगा, इसका निर्णय लिया जाता है। आमतौर पर सरकारें लोगों को अच्छी सुविधाएं देने की योजनाओं का ऐलान करती हैं, खाना मुफ्त में देने की बात करती हैं, लोगों को रहने का इंतजाम मुफ्त में करें इसकी बात करती हैं। और यह भी सही है कि कई राज्यों में मुफ्त में दाह संस्कार का इंतजाम सरकार की तरफ से किया जाता है, अंतिम संस्कार के लिए मुफ्त में लकड़ी का इंतजाम सरकार की तरफ से किया जाता है। यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में सरकारों की तरफ से कोरोना के मरीजों के अंतिम संस्कार में परिवार वालों की मदद की जा रही है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। दुख के वक्त में जो मदद मिल जाए कम है, लेकिन कोई सरकार मुफ्त में कफन देने की योजना का इस अंदाज में ऐलान नहीं करती जैसे हेमंत सोरेन ने किया, इसलिए थोड़ी हैरानी हुई। अब बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री को कफन खरीद कर भेज रहे हैं और इसे इशू बना रहे हैं,
झारखंड में गोड्डा से बीजेपी के एमपी हैं निशिकांत दुबे। उन्होंने आज कहा कि सरकार मरीजों को दवा की जगह कफन देने लगे तो समझ लो अब भगवान ही मालिक है। आप किसी मुख्यमंत्री की इस तरह की घटिया मानसिकता कभी देखे हैं? वर्षों से हजारों मुख्यमंत्री आए गए होंगे गए होंगे, आप समझे कि मुख्यमंत्री को क्या देना है? मुख्यमंत्री को ऑक्सीजन देना है, दवाई देना है, बेड देना है, कॉन्सेंट्रेटर देना है, फैसिलिटी क्रिएट करना है। वो मुख्यमंत्री बोल रहा है कि हम कफन देंगे, इसका मतलब कि मुख्यमंत्री पहले से हार मान बैठा है और वो समझ रहा है कि झारखंड की जो जनता है वो केवल मरने के लिए ही पैदा हुई है, कफन के लिए पैदा हुई है। हमने जो है बड़े सीरियसली लिया है, आज ही हमने खुद ही कफन खरीद कर जो है 10 मीटर कफन का कपड़ा खरीद कर जो है उनको कोरियर किया है और हमने सभी लोगों से आग्रह किया है झारखंड के लोगों से कि हम लोग कोई भिखमंगे नहीं हैं, हम लोग अमीर राज्य के आदमी हैं और कफन एक हिंदू संस्कृति में एक ऐसी चीज़ है। मैं आपको बताऊं कि लोग जमीन बेचकर कफन खरीदते हैं अपने पैसे से, लोग बकरी बेचकर कफन खरीदते हैं अपने पैसे से, लोग सोना चांदी गिरवी रखकर कफन खरीदते हैं। कफन जो है दूसरे के पैसे से कफन खरीदा हुआ या दूसरे के दिया हुआ कफन जो है उससे आदमी मुक्त नहीं होता है। उसको भारतीय सभ्यता संस्कृति, हिंदू सभ्यता संस्कृति के बारे में मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है, इसीलिए हमने कफन जो है उनको भेजने का फैसला किया और राज्य के सारे लोगों से मैंने आग्रह किया है कि कफन भेजो अभियान चलाना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को कफन देना चाहिए कि हम ही आपको कफन देते हैं लेकिन आप हमारी जान की रक्षा कर लीजिए, हमको दवाई दीजिए, हमको ऑक्सीजन दीजिए, हमको अस्पताल बेड दीजिए, हमको डॉक्टर दीजिए, हमको नर्स दीजिए और इस कोरोना में वैक्सीन दीजिए, ये आपका काम है, ये काम दीजिए, कफन का काम हम लोग खुद संभाल लें। मुझे लगता है हेमंत सोरेन ने मुफ्त कफन देने वाला बयान दिया तो था राजनीतिक फायदे के लिए लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। निशिकांत दुबे बीजेपी के तेज तर्रार नेता हैं, उन्होंने मौका नहीं छोड़ा, लेकिन बेहतर होता कि लोग मौत पर कफन पर सियासत न करते। मैं आपको बता देता हूं कि देश में कोरोना के मरीजों की संख्या कैसे कम हो रही है लेकिन मौत के फिगर्स उतनी तेजी से कम नहीं हो रहे और यह खास तौर से 4 राज्यों में हो रहा है जहां हालत काफी खराब है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ये 4 राज्य हैं। देश के आधे से ज्यादा कोरोना के नए मरीज इन 4 राज्यों में मिले हैं और आधे से ज्यादा लोगों की मौत इन 4 राज्यों में हो रही है। पिछले 24 घंटे में कुल 3,511 मरीजों की मौत हुई, इनमें से 1,814, इतने लोगों की मौतें इन 4 राज्यों में दर्ज हुई। कोरोना में जब किसी की मौत होती है तो सिर्फ अपने से बिछड़ने का गम नहीं होता, मौत के बाद, डेथ के बाद शव को ले जाना, दाह संस्कार करना या दफनाना, यह अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हो गया है। आज जो इसके उदाहरण सामने आए वो दिल दहलाने वाले हैं। कहीं हॉस्पिटल में मौत के बाद पिता को बेटी की लाश अपनी गाड़ी में बगल वाली सीट पर रखकर ले जानी पड़ी, कहीं एम्बुलेंस न मिलने पर बेटी को, मां की लाश को ठेले पर रखकर दो बेटों को शमशान तक ले जाना पड़ा। आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि किसी को लाश ले जाने के लिए एम्बुलेंस अवेलेबल ना हो, लेकिन हुआ है ऐसा और इसकी तस्वीरें हमारे पास हैं। तस्वीरें थोड़ा विचलित करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के कोटा की हैं, कोटा के न्यू मेडिकल हॉस्पिटल की हैं। गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स वो अभागा पिता है जिसकी बेटी को कोरोना हुआ था। पिता अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए हॉस्पिटल उसे लेकर आया था लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद भी बेटी बच नहीं पाई और हद तो यह हो गई कि बेटी के शव को घर तक ले जाने के लिए पिता को एम्बुलेंस भी नहीं मिली। हॉस्पिटल के बाहर खड़ी प्राइवेट एम्बुलेंस वालों ने इतना पैसा मांगा जो वो पिता अफोर्ड नहीं कर सकता था। मजबूर पिता ने गाड़ी की सीट पर बेटी की लाश को बांधा और इसी हालत में 80 किलोमीटर दूर झालावाड़ तक ले गया। कल्पना कीजिए उस पिता का 80 किलोमीटर का यह सफर कैसे कटा होगा। यह दिल दहलाने वाली तस्वीर कल की है।
कुछ दिन पहले 34 साल की सीमा को इलाज के लिए परिवार वाले झालावाड़ से कोटा लाए थे। न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान सीमा की मौत हो गई। अब परिवार वालों को सीमा की डेड बॉडी को वापस झालावाड़ ले जाना था। मुश्किल ये थी कि परिवार को मोर्चरी से सीमा की डेड बॉडी को हॉस्पिटल के बाहर खड़ी गाड़ी तक लाने के लिए वार्ड बॉय भी नहीं मिले। परिवार के लोग ही सीमा के शव को मोर्चरी से खुद लेकर आए, हॉस्पिटल के बाहर खड़े एम्बुलेंस से बात की तो प्राइवेट एम्बुलेंस वालों ने 20,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए तक मांगे। 80 किलोमीटर की दूरी के लिए 35,000 रुपए, परिवार की हैसियत इतने पैसे की देने नहीं थी। इसलिए सीमा के पिता ने बेटी की लाश को अपनी कार की अगली सीट पर बिठाया, उसे बेल्ट लगाई और इसी तरह बांधकर झालावाड़ तक ले गया। पहले आईसीयू में थी, कोविड वार्ड में, फिर वहां से आईसीयू बोतल चढ़ी हुई थी, सब कुछ चढ़ा हुआ था, ऑक्सीजन लगी हुई थी, उसके बावजूद भी इसको जनरल वार्ड में डाला गया, जहां पे जिस बेड पे थी वहां पे गैस का वो भी जो ऑक्सीजन थी वही बंद पड़ी हुई थी। अब इनकी डेथ हो गई है, अब प्रशासन किस तरह की क्या प्रशासन वहां से डेथ बॉडी भी हम लोग वहां से लेकर आए, वार्ड बॉय नजर नहीं आ रहा, सुबह से परेशान हो रहे, कोई सुन नहीं रहा, सुबह 12 बजे जब घबरा रही थी डॉक्टर को बुलाने के तो बोला डॉक्टर साहब तो लेट आएंगे, वो आया भी थोड़ी देर बाद आइएगा। एम्बुलेंस वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं, एम्बुलेंस की हमारी पर्सनल गाड़ी में लेके जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ लेके जाएंगे बाप? इसको झालावाड़ लेके जाएंगे। झालावाड़ से क्या नाम था मृतक का? सीमा। मजबूरी, दर्द और आंसू की सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, कोटा की एक और आपको तस्वीर दिखाता हूं। इस वीडियो में भी विक्टिम के परिवार वाले अपने मरीज की डेड बॉडी को कार से लेकर जा रहे हैं। इस परिवार को कार में शव लेकर इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिली। ये तस्वीर भी कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की है। डेड बॉडी को इस तरह ले जाना कोविड प्रोटोकॉल के खिलाफ है, लेकिन करें तो क्या करें। हॉस्पिटल के पास डेड बॉडी तो घर तक पहुंचाने के लिए अलग से एम्बुलेंस है नहीं, और प्राइवेट एम्बुलेंस वाले इमरजेंसी में कमाई का मौका ढूंढ रहे हैं, तो मजबूर लोगों को दुखी परिवारों से मुंह मांगी कीमत मांग रहे हैं। क्योंकि लोग इतना पैसा दे नहीं पाते, इसलिए अपनी गाड़ी में लाश लेकर जाने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है, और प्रशासन तब जागता है जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं और सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन इस मामले में क्या जवाब हो सकता है? कोटा के डीएम ने कहा कि जांच करवा रहे हैं, अब प्राइवेट एम्बुलेंस वालों पर सख्ती करेंगे। आरटीओ के थ्रू जांच करवा रहे हैं, आरटीओ ने उनसे परिवार से बात की, ना तो वो ड्राइवर बता रहा, ना कोई कंक्रीट चीज है, ना उसने कोई पैसे दिए, तो अब वो पकड़ करना संभव नहीं है, मुश्किल है। फिर भी हम जांच कर रहे हैं, और आज हमने चालान भी किए 2-3 एम्बुलेंस वालों के, जो भी वहाँ रहते हैं, जो पैसे मांगते हैं, क्योंकि और सबसे बड़ी बात है कि ये जब इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, मेडिकल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट, मेडिकल कॉलेज के इंचार्ज, सबको कह रखा है हमने कि कोई डेथ होती है तो उसके लिए नगर निगम व्यवस्था करती है। इतना बड़ा टेंट लगा हुआ है, माइक लगा हुआ, वो किसी से नहीं जाके, और जो शिकायत करता है वो भी स्पष्ट बता नहीं रहा है उससे कितने पैसे मांगे, किस आदमी ने मांगे, किस गाड़ी नंबर मांगे, तो ऐसी स्थिति में एकदम तो पकड़ में नहीं आ रहा कि किसने किया, लेकिन फिर भी एक गंभीर विषय है, कोई ज़्यादा पैसे मांगता है तो उसकी जांच करवाएंगे, और ओवरऑल भी एम्बुलेंस पर थोड़ा स्ट्रिक्टनेस करेंगे। अब जैसे जैसे स्थितियाँ नॉर्मल हो रही है, डीटीओ ऑफिस वाले भी कार्रवाई करेंगे। डीएम साहब थोड़ा और संवेदनशील होते तो अच्छा होता। किसी पिता से जिसकी बेटी की लाश उसके सामने हो, ये उम्मीद करना कि वो प्राइवेट एम्बुलेंस वालों से किराया पूछेगा, जो ज़्यादा मांगेगा उसका नाम पूछेगा, एम्बुलेंस का नंबर नोट करेगा, ड्राइवर की फोटो खींचेगा, फिर पुलिस को बुलाएगा, ये सोचना तो जुल्म है। डीएम साहब जो बात छुपा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान में एम्बुलेंस की हालत क्या है, इसकी पूरी डिटेल्स मेरे पास में है। लेकिन पहले मैं राजस्थान की एक और तस्वीर आपको दिखा देता हूं। यह तस्वीर झालावाड़ की है। झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे में रहने वाली एक महिला की कोरोना से मौत हो गई।
परिवार वालों ने महिला के शव को शमशान घाट तक ले जाने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट से एम्बुलेंस मांगी, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट ने हाथ खड़े कर दिए, एम्बुलेंस देने से इनकार कर दिया। स्वास्थ्य विभाग ने महिला के दो बेटों को पीपी किट जरूर दे दिया और कह दिया कि एम्बुलेंस तो है नहीं, इसलिए पीपी किट पहनकर खुद ही बॉडी को शमशान तक ले जाओ। इसके बाद महिला के दो बेटे अपनी मां की डेड बॉडी को ठेले में रखकर शमशान घाट तक ले गए। महिला के दोनों बेटे मार्केट गलियों और छोटे छोटे रास्तों से होते हुए शमशान घाट तक पहुंचे। यहां बिना कोविड प्रोटोकॉल के उन्होंने अपनी मां का अंतिम संस्कार कर दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि महिला का इलाज झालावाड़ के कोविड केयर सेंटर में चल रहा था। इसी कोविड केयर सेंटर में महिला के भाई का ट्रीटमेंट भी हो रहा था, लेकिन दो दिन पहले महिला के भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद इस महिला ने घर जाने की इच्छा जताई। परिवार वाले उसे घर ले जाएं, उसकी तैयारी करते, उसी दिन दोपहर में उसकी मां की भी मौत हो गई। इसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट से संपर्क किया, लेकिन मदद के बजाय सिर्फ पीपी किट मिली। प्रशासन की तरफ से हमने फोन सभी किया था, पर हमको किसी की सुविधा नहीं मिली, प्लस एम्बुलेंस वाले को फोन किया था फिर नहीं मिली, फिर कोरोना पेशेंट को ज़्यादा टाइम नहीं रख सकते, इसलिए हमने दोनों भाई ने उचित समझा कि भाई उनको ठेले गाड़ी में लेके जाए। शमशान में भी कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया, हम दोनों ने ही पूरा दाह संस्कार किया। मम्मी पॉजिटिव आई थी, कोरोना पॉजिटिव, उसके अलावा हमने प्रशासन को बोला कि मम्मी की डेथ हो गई है, इसलिए हमने प्रशासन को फोन किया, कोई प्रशासन आगे रहने के लिए सहयोग नहीं दे पाया। इस घटना पर झालावाड़ के डीएम से सवाल पूछा गया। डीएम साहब ने कहा कि एम्बुलेंस उस वक्त नहीं थी, इसलिए नहीं मिल पाई, लेकिन उस परिवार की पूरी मदद की गई, पीपी किट दी गई, मुफ्त में अंतिम संस्कार का इंतजाम भी सरकार ने किया। इस तरह की घटना हुई उसकी हमने जांच करा ली है, उसमें ग्राम पंचायत और विकास अधिकारी को पूरी जानकारी मिल गई थी, लेकिन उस समय एम्बुलेंस किसी मरीज को लेकर दूसरी जगह गई हुई थी और बाकायदा उनको पीपी किट भी दी गई थी, तो उनका चूंकि 100-150 मीटर के आसपास ही शमशान था तो उन्होंने एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया, और चूंकि दूसरे लोग भी कंधा देने को तैयार नहीं थे इसलिए उन्होंने इस का इस्तेमाल किया, जबकि शमशान पर भी जो निःशुल्क रूप से ग्राम पंचायत के द्वारा बाकायदा कोविड की गाइड पालना करते हुए और लकड़ियां भी उपलब्ध कराई, उसी के अनुसार उनका दाह संस्कार कराया गया। कोरोना का कहर कितना क्रूर है, जरा सोचिए उन बेटों पर क्या बीती होगी जिनकी मां को कंधा देने वाले चार लोग नहीं मिले, शमशान तक शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली, बेटों को ठेले पर मां की लाश ले जानी पड़ी। इससे ज्यादा दुखदाई बात और क्या हो सकती है। कोटा में जो हमने देखा, झालावाड़ में जो हुआ वो दिल दुखाने वाला है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ इसकी गहराई में जाने की जरूरत है। सवाल यह है कि क्या राजस्थान में सरकारी एम्बुलेंस है नहीं, या फिर कोरोना से हो रही मौतों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि लाशों को शमशान पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस कम पड़ रही है। जब हमने तहकीकात की तो जो जानकारी सामने आई वो हैरान करने वाली है। पता लगा कि सिस्टम ही बीमार पड़ा है। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने जांच करने के बाद बताया कि राजस्थान में इस वक्त 108 एम्बुलेंस सेवा के तहत कुल 741 एम्बुलेंस चलाई जा रही हैं। ये 108 की सर्विस है इसके तहत, लेकिन इनमें से आधी से ज्यादा यानी 421 एम्बुलेंस खस्ता हालत में है, या कहें कबाड़ हो चुकी है। इन 421 एम्बुलेंस में ज्यादातर ऐसी हैं जो 8 से 10 साल पुरानी हैं। ज्यादातर एम्बुलेंस तो चलने लायक ही नहीं है, लेकिन इसके बाद भी कागजों पर वो चल रही हैं। पूरे राजस्थान में इस वक्त
108 एम्बुलेंस सेवा के तहत सिर्फ 320 एम्बुलेंस ऐसी हैं जो सही हालत में है। इतना बड़ा राज्य, इतने ज्यादा लोग, 320 एम्बुलेंस से होगा क्या? जब जिलेवार तहकीकात की गई, डिस्ट्रिक्ट वाइज पड़ताल की गई, तो और भी हैरान करने वाली बातें पता चली। मनीष ने बताया कि अजमेर में 29 सरकारी एम्बुलेंस हैं, लेकिन इनमें से 15 खराब पड़ी हैं। जोधपुर में 38 सरकारी एम्बुलेंस से 14 खराब हैं। पाली डिस्ट्रिक्ट में 29 एम्बुलेंस हैं, इनमें से 16 खराब हैं। झुंझुनू में 28 एम्बुलेंस में से 20 खराब हैं। सिरोही में 26 एम्बुलेंस में से 20 खराब हैं। कोटा में 18 में से 10 एम्बुलेंस खराब हालत में है। भरतपुर में 32 में से 12 एम्बुलेंस खराब हालत में है। दौसा में 13 में से 9 एम्बुलेंस खराब हैं। सवाई माधोपुर में 16 में से 8 एम्बुलेंस खराब हैं। भीलवाड़ा जिले में 25 सरकारी एम्बुलेंस हैं, लेकिन 10 एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। ऐसे हालात में ये उम्मीद करना बेमानी होगी कि कोरोना के सभी मरीजों को हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस मिल जाए। डेड बॉडी तक, शमशान तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस का, हर्ष का इंतजाम हो जाए, ये संभव नहीं है। कोटा और झालावाड़ में जो तस्वीर सामने आई, उसमें सबसे बड़ी वजह है वक्त पर एम्बुलेंस ना मिल पाना है। लेकिन हमने जो पड़ताल करी, जो उसमें सच सामने आया, वो वाकई में बहुत चौंकाने वाला है। राजस्थान में एम्बुलेंस की हालत बद से बदतर है। दरअसल सरकार 108 एम्बुलेंस, इस तरीके की एम्बुलेंस निःशुल्क सेवा पूरे प्रदेश में चलाती है, लेकिन हकीकत ये है कि 741 एम्बुलेंस में से 421 एम्बुलेंस राजस्थान के तमाम जिलों में कबाड़ में खड़ी हुई हैं। इस एम्बुलेंस में ना ही ऑक्सीजन सिस्टम सही से है, ना ही तमाम चीज़ें जो एम्बुलेंस में होती हैं वो सही से मिल पाई है। और यही वजह है कि लचर व्यवस्था है। तमाम अस्पतालों में इस तरीके के एम्बुलेंस दिए तो जरूर है सरकार की तरफ से, लेकिन वो वक्त पर पहुंचते ही नहीं है। और चूंकि सरकारी एम्बुलेंसेज खराब हैं, खस्ता हालत में हैं, और इस हालात का फायदा उठाते हैं प्राइवेट ऑपरेटर। कोरोना मरीजों के परिवारों को लूट से बचाने के लिए सरकार ने रेट तो तय कर दिए हैं। राजस्थान सरकार ने भी कोरोना महामारी के दौरान एम्बुलेंस का किराया फिक्स किया हुआ है। पहले 10 किलोमीटर तक का किराया 500 रुपये होगा। पीपी किट के लिए 350 रुपये प्रति चक्कर अलग से देने होंगे। अगर कोई 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक मरीज को ले जाता है तो 1250 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया देना होगा। इस हिसाब से कोटा से झालावाड़ तक जाने के लिए सरकारी रेट के हिसाब से 2650 रुपए बनते हैं, लेकिन कोटा में प्राइवेट एम्बुलेंस वाले मनमानी कीमत वसूल कर रहे हैं। किसी से 30,000 तो किसी से 35,000 मांग रहे हैं। और यह हाल, जैसा मैंने आपको बताया, सिर्फ कोटा का नहीं है, लगभग हर जिले में यही स्थिति है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि हर जगह एम्बुलेंस ड्राइव करने वाले, उनको चलाने वाले लोगों की संवेदनाएं मर गई हैं। आज मैंने मथुरा के ऐसे एम्बुलेंस ड्राइवर के बारे में पढ़ा जिसकी मां की डेथ हो गई थी, लेकिन हॉस्पिटल में मरीजों की कॉल लगातार आ रही थी। उस एम्बुलेंस ड्राइवर ने पेशेंट्स को उनके हाल पर नहीं छोड़ा, वो रात भर काम करता रहा और उसने 15 मरीजों को आसपास के गांवों से लाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया, अपना फर्ज निभाया, अपनी ड्यूटी निभाई। उसके बाद अपने घर के लिए रवाना हुआ और अगले दिन मां के दाह संस्कार के लिए पहुंच पाया। अब मैं आपको हमारे हेल्थ सिस्टम की एक ऐसी तस्वीर दिखाता हूं जो आपको चौंका देगी। बहुत से व्यूअर्स ने मुझसे कहा कि बिहार के सरकारी हॉस्पिटल्स का हाल बहुत बुरा है। एक दर्शक ने लिखा कि हॉस्पिटल में गाय भैंस बंधी हैं। एक और व्यूअर ने बताया कि उन्होंने जो हॉस्पिटल देखा उसकी बिल्डिंग खंडर जैसी हो गई है। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है, असलियत क्या है, ये जानने के लिए मैंने इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स को बिहार के अलग अलग जिलों में भेजा। जहां से इंफॉर्मेशन आई थी वहां तहकीकात करने के लिए भेजा। गोनिका अरोड़ा हमारी संवाददाता, मधुबनी जिला मुख्यालय से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर सक्री ब्लॉक में एक ऐसे सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पहुंची
जिससे अब गांव के लोग भूत बंगला के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस प्राइमरी सेंटर में, जिसे एक जमाने में हेल्थ सेंटर कहते थे, 10 साल से ताला लगा पड़ा है। बंद दरवाजों के भीतर बेड भी हैं, दवाओं के बॉक्स भी रखे हैं, डॉक्टर्स की टेबल कुर्सी भी है, लेकिन अब यह हॉस्पिटल वाकई में खंडर बन गया है। हॉस्पिटल की दीवारें गिरने लगी हैं, दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई हैं, हॉस्पिटल के आसपास कूड़ा फैला हुआ है। गांव वालों का कहना है कि यह हॉस्पिटल सिर्फ कागज पर चल रहा है। कभी कभी कोई नर्स या डॉक्टर आता तो है, लेकिन 10 मिनट के बाद वो चले जाते हैं। यह हॉस्पिटल 10 साल से इसी तरह बंद पड़ा है। बिहार के सकरी में हम इस वक्त मौजूद हैं, मधुबनी जिले में ये सकरी पड़ता है इलाका, और यहाँ की एक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे अब भूत बंगला के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, क्योंकि ना तो यहाँ पर इलाज होता है, ना यहाँ पर डॉक्टर आते हैं, ना कोई नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर है, ना दवाइयाँ हैं, ये सिर्फ एक खंडर में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा खंडर जो पिछले करीब 10 साल से बंद पड़ा है, जब स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है। ऐसे में ये तस्वीरें एक बेहद ही शर्मसार तस्वीरें हैं कि किस तरीके से बिहार के ऐसे इलाके में, मधुबनी जो मुख्य जिला है बिहार का, उससे सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर ये सकरी प्रखंड है, और यहाँ का ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इस वक्त पूरे तरीके से खंडर में तब्दील हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि ये स्वास्थ्य केंद्र कागजों में नहीं है, कागजों में ये स्वास्थ्य केंद्र अभी भी है। इस पे जो डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स अभी भी ड्यूटी उनकी लगती है। यहाँ पर जो स्वास्थ्य सफाई कर्मी आते हैं, उनकी भी ड्यूटी लगती है। यानी कि ये अस्पताल सिर्फ कागजों में चल रहा है, ये स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ कागजों में है, लेकिन जमीन पर अगर आप देखें तो ये एक सिर्फ खंडर है। अंदर आपको चीजें रखी हुई दिखाई भी देंगी, देखिए टेबल लगा है, जैसे कि एक डॉक्टर का कमरा है, एक डॉक्टर का रूम है, उसमें चेयर लगा है, टेबल लगा है, आसपास और चेयर्स लगी हैं, और इसके अलावा वो कुछ वैक्सीन के डिब्बे पड़े हैं। और एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये नहीं है कि ये बंद पड़ा है, इसे खोला जाता है कभी कभी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी, राजेश्वर जरा वो जूम करके दिखाएं कि 2020 का कैलेंडर अंदर लगा हुआ है, यानी कि इस स्वास्थ्य केंद्र को खोला जाता है। यहाँ पर हर 10-15 दिन महीने में कोई आता है, बैठता है 1 से 2 घंटे और यहाँ से चला जाता है। यानी कि पिछले साल अगर कहें 2020 में खुला था, यहाँ पर आकर बकायदा किसी ने कैलेंडर तक लटकाया है। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, परिसर बहुत बड़ा है, इसमें कई बिल्डिंग्स हैं, लेकिन सब के सब जर्जर हैं। गुनिका ने बताया कि हॉस्पिटल में बेड भी हैं, बेड पर 10 साल से गद्दे और चादर पड़े पड़े सड़ गए हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। यहाँ पर सामने की तरफ इमारत है, इसमें भी स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ी हुई कोई सुविधा थी, लेकिन अब सब खंडर है, सब बंद पड़ चुका है। आप पीछे की तरफ अगर हम आए, पीछे की तरफ भी आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाएं, तो यहाँ पर ये पूरी जगह स्वास्थ्य केंद्र की है, लेकिन ये बंद पड़ी है। इसमें एक कमरा आपको दिखाएं कि यहाँ पर एक बेड लगा हुआ है, ये बेड में गद्दा लगा है, चादर बिछी है, यानी कि मरीज जिन्हें भर्ती करने की जरूरत होती है, क्योंकि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, अगर किसी को बुखार होता है तो ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों में उनका प्राथमिक इलाज हो पाता है। लेकिन आप देखिए, ये 10 साल या उससे ज्यादा वक्त से कहें तो ये बंद पड़ा है, लेकिन यहाँ पर गद्दा बिछा है, चादर बिछी है, लेकिन मरीज नहीं है। मरीज कैसे आएंगे? मरीज तभी आएंगे अगर यहाँ आपको इलाज मिलेगा, लेकिन ऐसी जगह पर आकर तो मरीज जाहिर तौर पर बीमार ही हो जाएगा। वैक्सीन के डिब्बे यहाँ पर पड़े हैं, लेकिन यहाँ पर इलाज के नाम पर कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक खंडर है, जो कागजों में स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन ये धरातल पर अगर कहें तो जमीन पर ना तो ये स्वास्थ्य केंद्र है, ये सिर्फ एक खंडर है, जिसे यहाँ के स्थानीय लोग भूत बंगले के नाम से जानते हैं। सोचिए, जब स्वास्थ्य केंद्र भूत बंगलों में तब्दील हो जाएंगे, जब हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग गिरने की हालत में होगी, तो लोग क्या करेंगे? गांव वाले बता रहे थे कि उन्हें नॉर्मल से बुखार के लिए भी 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।
कम से कम 10 साल से ऊपर से बंद है ये हॉस्पिटल। लेकिन ये कागजों में तो है ऐसा, क्योंकि अंदर कैलेंडर लटका है, यहाँ पर डॉक्टर आप कह रहे हैं कि 10 से 15 दिनों में आते भी हैं, आता है कोई स्टाफ यहाँ पे? कभी कभी आते हैं, वो पोलियो अगर बच्चे का पोलियो का काम होता है तब आते हैं डॉक्टर, बाकी सब तो ऐसे बंद रहते हैं। लेकिन कोरोना में या फिर वैसे बीमारियों में कोई आता है, कोई इलाज करता है? नहीं, कोई भी डॉक्टर नहीं आते हैं, कोई पेशेंट नहीं, कोरोना में कोई व्यवस्था है ही नहीं यहाँ पर। चतुसारी आपके सामने पूरा गंदा से पड़ा भरा हुआ है, करीब 10-12 साल से बंद पड़ा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं होता है, इलाज वगैरह तो बिल्कुल नहीं है। और ये सोचने की बात वाली बात यह है कि सिर्फ जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और प्रखंड मुख्यालय से सिर्फ 5 या 4 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। कोई आता नहीं है, कोई आता ही नहीं है। बाकी ये डॉक्टर जो आते हैं 10 मिनट बैठे उसके बाद चले जाते हैं। क्या करते हैं डॉक्टर यहाँ पे? ये मतलब टाइम देने आ जाते हैं 10 मिनट, और बाकी तो आप लोग देख ही रहे हैं क्या है नहीं है। और कौन डॉक्टर होते हैं ये, कहाँ डॉक्टर बैठते हैं, ये यही के डॉक्टर हैं? आते हैं, पब्लिक को खुद नहीं मालूम है, आते हैं 2-3 गाड़ी लगा रहता, आते हैं यहाँ पर ही बैठ जाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट बैठते हैं यहाँ पे, वो गाड़ी में बैठे रहते हैं। अब मैं आपको इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात बताता हूँ, मधुबनी में ये अकेला ऐसा प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है जो खंड हो चुका है, ऐसे कई सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं जिनकी हालत ऐसी ही जर्जर है, इतनी ही बुरी हालत में है। और गोनिका ने कई सारे हेल्थ सेंटर्स का दौरा किया, वहां से तस्वीरें भेजी हैं, लेकिन वक्त मेरे पास कम है इसलिए सारी ये तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखा सकता। मैं आपको बिहार के एक और बड़े जिले मुजफ्फरपुर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर का हाल दिखा देता हूं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक मुजफ्फरपुर में 350 से ज्यादा हेल्थ सेंटर हैं, लेकिन गांव में बने ज्यादातर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का हाल क्या है ये आप देखिए। हमारे संवाददाता मुजफ्फरपुर के ओराई ब्लॉक के महेशवारा पंचायत में गए। महेशवारा पंचायत में करीब 20 साल पहले एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया गया था, लेकिन अब हालत यह है कि गांव का यह प्राइमरी हेल्थ सेंटर तबेले में बदल चुका है। हमारे संवाददाता ने इस हेल्थ सेंटर की जो तस्वीरें भेजी हैं वो देखिए, कमरों के बाहर जानवर बने हैं और कमरों के अंदर भूसा रखा है। कुछ कमरों में लोगों ने अपने रहने का इंतजाम कर लिया है। 20 साल पहले इस अस्पताल का निर्माण हुआ और 15 साल से, क्योंकि 3-4 साल इसको बनने में ही लगा, और लगभग 15 सालों से यहाँ पर ना कोई डॉक्टर आया है, ना कोई एएनएम आई है। ऊपर में पेंट करके एएनएम वगैरह का नाम लिखा हुआ है, उस नंबर पे कॉल भी किया जाता है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है। कारण यह हुआ कि 15 साल से कोई नहीं आया है तो यहाँ पर अतिक्रमण हो गया है, गाय बांधा हुआ है, अंदर में गाय का खटाल बना हुआ है, वो ओपला रखा हुआ है। स्वास्थ्य में तो कुछ है ही नहीं है, गाय भैंस यही सब बांधा जा रहा है। हॉस्पिटल बंद रहता है, हम लोग को मतलब जाने आने में मतलब और आई बहुत दिक्कत होता है, और दवा बीरो मतलब मिलता है, पुलिस बहुत तंग करता है, और यहाँ मतलब सालों के सालों मतलब हॉस्पिटल बंद रखता है, मतलब कोई मतलब जैसे गरीब को किसी को दवाई नहीं मिलता है। अब सोचिए ऐसे हेल्थ सेंटर से हम कोरोना से लड़ पाएंगे? जब लोग कहते हैं कि भारत में हेल्थ सर्विसेज कमजोर हैं, तो भी हम कल्पना नहीं कर सकते। मुजफ्फरपुर के एक और हेल्थ सेंटर का आपको हाल दिखाता हूं, ये मीनापुर ब्लॉक का हेल्थ सेंटर है, इसकी तस्वीरें देखिए। पंचायत के हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग की हालत खस्ता है, इसे देखकर कोई नहीं कह सकता ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग है। इस खंडर के कमरों में गांव वाले बकरियां और दूसरे जानवर बांध देते हैं। हेल्थ सेंटर का इस्तेमाल गाय भैंसों के शेल्टर के तौर पर किया जाता है। गुरियामा पंचायत के टेंगराहा में जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है उससे तो जनता को कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा है, सिर्फ एक बिल्डिंग बना दिया गया हुआ है, और वो भी जो है कि उसमें जो है गाय भैंस कुत्ता बकरी यह सब दिन भर घूमता है। कोरोना ऐसे महामारी में और वहाँ डॉक्टर और स्वास्थ्य संबंधित सुविधा अगर उपलब्ध रहता तो लोग परेशान नहीं होता। हम लोग पंचायत के जनता की तरफ से मांग करते हैं कि उसको जल्द से जल्द चालू किया जाए, डॉक्टर से लेकर और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का वहाँ पर बहाल किया जाए। आप सोचिए इन्हीं सेंटर्स में लोगों को अपना इलाज कराना है, इन्हीं सेंटर्स में लोगों को कोरोना से लड़ना है, और अगर वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो इन्हीं सेंटर्स का नाम लिखा जाएगा। मुजफ्फरपुर के इस सरकारी हेल्थ सेंटर की बदहाली को लेकर जब एसडीएम साहब से सवाल पूछे गए तो उन्होंने जो कहा वो बता देता है कि इतनी हालत खराब क्यों है।
एसडीएम साहब ने कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट के पास कई हेल्थ सेंटर्स की बिल्डिंग का लेखा जोखा ही नहीं है। इससे गांव में लोगों ने बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लिया है। कुछ उप स्वास्थ्य केंद्र जहां पे एएनएम वगैरह पोस्टेड थी या हैं भी, उन भवनों का उचित लेखा जोखा स्वास्थ्य विभाग के पास में नहीं रहने के कारण ही ऐसे भवनों में अतिक्रमण हो गए हैं। हम लोग लगातार उन भवनों का उद्भेदन कर रहे हैं और उसकी सूची भी हम लोग स्वास्थ्य विभाग से मांग रहे हैं ताकि उनको अतिक्रमण मुक्त करके उनको हैंडओवर किया जा सके। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि स्वास्थ्य विभाग के पास में भी ऐसी कोई सूची नहीं है जिससे ये पता चल सके कि कौन सा भवन कहाँ पर अवस्थित है। हमको केवल सूची मिलनी चाहिए और जो पिक्चर आपने दिखाया है हम लोग उसको प्रायोरिटी बेसिस पर उसको खाली करवाएंगे। हमने पिक्चर दिखाया इसलिए डीएम साहब उसको खाली कराएंगे। सवाल यह है कि अब तक क्या कर रहे थे? सब ने कहा, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोरोना की सेकेंड वेव का सबसे ज्यादा असर गांव पर हुआ है। ऐसे वक्त में गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर गरीब लोगों का सहारा होते हैं, लेकिन अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में गाय बंदी हो, कमरों में भूसा भरा हो, तो गांव के मरीजों का क्या हाल होगा इसका अंदाजा लगाना तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बिहार के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का इतना बुरा हाल होने के बाद भी सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 24 घंटे में बिहार में कोरोना के सिर्फ 3,306 नए केस दर्ज किए गए। अगर यह आंकड़ा सही है, ये फिगर सही है, तो मैं तो इसे बड़े अचीवमेंट मानूंगा इतनी बुरी हालात में भी। अगर वहां कोरोना की लहर जोर से आ जाती तो क्या होता? लेकिन फिगर्स में कितनी सच्चाई है यह देखना पड़ेगा। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि कोरोना का मैनेजमेंट कैसे करना है, वक्त और जरूरत के हिसाब से हेल्थ सिस्टम को कैसे दुरुस्त करना है, यह दूसरे राज्यों को उत्तर प्रदेश से सीखना चाहिए। यूपी में कोरोना अब काबू में है, टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, सबसे बड़ा राज्य है, सब राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या यहां पर है। इसके बाद भी सिचुएशन कंट्रोल में है। योगी आदित्यनाथ कोरोना की तीसरी वेव से मुकाबले की तैयारी में अभी से लग गए हैं। अब चूंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक होगी, तो अब योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड तैयार करने शुरू कर दिए हैं। अब से करीब एक महीने पहले यानी 24 अप्रैल को यूपी में कोरोना के 38,000 केसेस सामने आए थे और 25 मई को करीब 4,000 नए केसेस सामने आए, यानी नए केसेस में 9 गुना से भी ज्यादा की कमी हुई है। यूपी में अब जैसा मैंने आपको बताया कि थर्ड वेव से निपटने की तैयारी की जा रही है, पीडियाट्रिक वार्ड बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इन्हीं इंतजाम को देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचे और यहां उन्होंने एम्स और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोविड वार्ड, पोस्ट कोविड वार्ड और बच्चों का वार्ड देखा। गोरखपुर में एम्स के डायरेक्टर ने बताया कि बच्चों में कोरोना के खतरे को देखते हुए 50 बेड का पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट तैयार किया गया है। यहां ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जा रहा है। सभी वार्ड्स में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए सेंट्रलाइज पाइपलाइन बिछा जा रही है। एम्स के बाद योगी आदित्यनाथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज गए, यहां वो पेशेंट से भी मिले और उनसे हॉस्पिटल में मिल रही फैसिलिटीज के बारे में पूछा। ठीक है, बहुत अच्छा है। और इनकी तबियत में इतना सूजन क्यों है? नेफ्रोटिक है, डर लगता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का डर उपचार शुरू हुआ सर? है डर सुधार भी है उसमें। बच्चे की तबियत ठीक है? तबियत ठीक है ना? है बहुत सुंदर। कुछ खाने के लिए मिल भी रहा है? है बच्चे की तबियत ठीक है? है बहुत सुंदर। तबियत ठीक है?
डॉक्टर आ रहे हैं देखने के लिए। कैसी तबीयत है बच्चे की? क्या नाम है जी? बोलो भाई। हाँ सर, क्या नाम है? तबीयत ठीक है ना? योगी आदित्यनाथ ने बताया कि थर्ड वेव से निपटने के लिए राज्य के सभी हॉस्पिटल्स में बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। सरकार इस बार एग्रेसिव कैंपेन चलाएगी जिससे थर्ड वेव के दौरान केसेस शुरुआत में ही डिटेक्ट हो जाएं और टाइम पर इलाज शुरू हो जाए। थर्ड वेव के बारे में भी जो एक आशंका व्यक्त की गई है उसकी तैयारी युद्ध स्तर पर राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है और मेडिकल कॉलेज में 100 बेड्स का पीकू के निर्माण की कार्रवाई। इसके अलावा जितने भी पीएससी जितने भी अन्य जनपद हैं उसमें जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है 25 से 30 बेड्स का पीकू के निर्माण की कार्रवाई के लिए एक अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है थर्ड वेव का मुकाबला करने के लिए, वह चाहे इंसेफ्लाइटिस का हो और चाहे वह कोविड से जुड़ा हुआ हो, अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन के रूप में उसको हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये अभियान हर एक जनपद में, चाहे वह मैन पावर के रिक्रूटमेंट का हो, उनके प्रशिक्षण का हो, ये सभी कार्यक्रम इसके साथ ही एक साथ प्रारंभ हो रहे हैं। एक बात तय है, अगर मुख्यमंत्री कमर कस लें, खुद मैदान में उतर जाएं, जिले जिले जाने लगे, हॉस्पिटल्स का दौरा करने लगे तो हालात बदल सकते हैं। ये योगी आदित्यनाथ ने साबित करके दिखाया। जिस राज्य में देश की सबसे बड़ी आबादी हो, ज्यादातर आबादी गांव में रहती हो, पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट हो, उस राज्य में कोरोना जैसे वायरस को काबू में पाना कोई छोटी बात नहीं है। एक महीने पहले तक उत्तर प्रदेश का हाल महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा खराब था। महाराष्ट्र आज भी उन टॉप 4 राज्यों में है जहां सबसे ज्यादा केसेस हैं। लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे, जिस जिलों में कोरोना के ज्यादा केसेस आ रहे थे उन जिलों का दौरा किया, ऑक्सीजन की सप्लाई पर नजर रखी, होम आइसोलेशन में जो मरीज थे उन्हें घर पर दवाएं पहुंचाने का एक सिस्टम डेवलप किया और फिर यह तय किया कि 31 मई तक कोरोना को काबू में लाएंगे। नतीजा सामने है, 25 मई को ही हालात अंडर कंट्रोल दिखाई देने लगे हैं और अब योगी थर्ड वेव की तैयारी में जुट गए हैं। इसी तरह का मैनेजमेंट दूसरे राज्य अगर करें, इसी तरह दूसरे मुख्यमंत्री भी कोरोना की जंग में खुद उतर जाएं तो मुझे विश्वास है जीत जरूर मिलेगी। आज दिन भर ट्विटर पर एक्शन को लेकर सियासत हुई, इसके बारे में बात करेंगे। आज देश में ट्विटर एक बार फिर सियासत का मुद्दा बना है, क्योंकि टूल किट के मामले में कल दिल्ली पुलिस की टीम ट्विटर से पूछताछ का नोटिस देने के लिए उनके दफ्तर गई थी। कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया, आरोप लगाया कि सरकार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वायलेशन कर रही है। कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार के मंत्रियों और बीजेपी के नेताओं की तस्वीरें लगाकर ट्वीट करना शुरू किया। ट्विटर से इन नेताओं की और इनके बयानों की, इनके ट्वीट की जांच करने को कहा। असल में टूलकिट मामले में बीजेपी लीडर्स के ट्वीट में मैनिपुलेटिव मीडिया का टैग लगने के बाद इस मामले की जांच के लिए कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम गुरुग्राम और दिल्ली में ट्विटर के ऑफिस में गई थी। कांग्रेस का कहना है कि गलती बीजेपी के नेताओं की है और एक्शन ट्विटर पर लिया जा रहा है। कांग्रेस ने ट्विटर को एक चिट्ठी लिखी, मोदी सरकार के 11 मंत्रियों की शिकायत की। कांग्रेस ने कहा इन मंत्रियों के ट्विटर की भी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने यह भी डिमांड की कि जिस तरह मैनिपुलेटिव मीडिया के मामले में जांच की जाती है वैसी ही जांच मंत्रियों के ट्वीट्स की भी की जाए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ये तो सबने सुना है, परंतु मोदी सरकार ने ये कर दिखाया है। दोषी कौन है टूल किट मामले में? फर्जीवाड़ा किसने किया टूल किट मामले में? फर्जी कागजात का इस्तेमाल कर देश को बहकाने और भ्रमित करने का षड्यंत्र किसने किया टूल किट मामले में? भारतीय जनता पार्टी उनके नेताओं और प्रवक्ताओं ने
परंतु पूछताछ किससे हो रही है? ट्विटर से। रेड होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर, इंक्वायरी होनी चाहिए जेपी नड्डा जी से और उनके प्रवक्ताओं से, पूछताछ होनी चाहिए केंद्रीय मंत्रियों से, स्मृति ईरानी जी हो या रविशंकर प्रसाद जी या उनके दूसरे मित्रगण, परंतु पूछताछ हो रही है ट्विटर से। नोटिस दिया जा रहा है ट्विटर और कांग्रेस पार्टी को। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब मैं आपको बीजेपी का पक्ष सुनवाता हूं। बीजेपी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली पुलिस की टीम रेड करने नहीं गई थी, न रेड डाली गई, वो सिर्फ नोटिस सर्व करने गई थी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कांग्रेस देश की छवि को खराब करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, बेवजह कोशिश कर रही है। देखिए, पहले तो ये जो कहा जा रहा है कि स्पेशल सेल जो दिल्ली की है और वो रेड कर रही है ट्विटर के ऑफिस पे, ट्विटर के दफ्तर में, और अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो समाप्त हो रही है, ये गलत बात है। कल दिल्ली पुलिस ने ही इस विषय पे कहा है कि कोई रेड नहीं हुआ था, हम नोटिस देने गए थे कि आखिर इंडिया में ट्विटर के बॉस कौन है, उसको ये नोटिस देना है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ईमेल के माध्यम से भी भेजा जा सकता था। देखिए, ईमेल के माध्यम से पहले भेजा गया था। मनीष महेश्वरी, जो अपने आप को मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन ट्विटर इंक कहते हैं, और उनका इंटरव्यू भी छपा पेपर में, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर भी किया कि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, उनको दिल्ली पुलिस ने 2 दिन पहले एक ईमेल भेजा और कहा कि चूंकि आपने टूलकिट वाले मसले पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाया है, तो स्वाभाविक है आपके पास हमसे अधिक जानकारी है, क्योंकि हम तो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एक कंप्लेन कांग्रेस पार्टी से आई है, तो वो जानकारी अच्छा होगा आप हमसे भी साझा कर ले, तो हमें इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल जाएगी। इस पर मनीष महेश्वरी जी ने कहा, आपने गलत एड्रेस पर ये ईमेल भेजा है, मैं तो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हूं, आप खोज लीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है और उसे आप ये नोटिस दीजिए। जब ये एम्बिग्विटी रही, ये द्वंद रहा कि आखिर मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो दिल्ली पुलिस उनके दफ्तर गई गुड़गांव में और दिल्ली में, और वहां नोटिस देकर आई कि जो भी आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आप उनको ये चिट्ठी दीजिए और उनसे पता लगाइए कि आखिर ये जो मैनिपुलेटिव मीडिया लिखा गया है वो किस कारण से लिखा गया है, ताकि हमें भी इन्वेस्टिगेशन में मदद मिले। ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पर सबको अपनी बात कहने का, अपने तरीके से कहने का हक है। इन प्लेटफॉर्म्स को इंटरमीडिएटरी का दर्जा हासिल है, मतलब ये कि अगर कोई इन प्लेटफॉर्म्स पर कुछ लिखता है तो उसके लिए इन फोरम्स की जिम्मेदारी नहीं होगी, इनके खिलाफ मुकदमा नहीं किया जा सकता, इन्हें किसी मुकदमे में पार्टी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है। जब डेफिनेशन ये है तो फिर ट्विटर हो या फेसबुक, इन्हें जज बनने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? ट्विटर या फेसबुक कैसे तय करेगा क्या सही है क्या गलत, किसने ठीक लिखा किसने गलत लिखा? मुझे लगता है ये काम न्यायालयों पर और इंक्वायरी करने वाली पुलिस पर छोड़ देना चाहिए। एक बड़ा तूफान ओडिशा और वेस्ट बंगाल की तरफ बढ़ रहा है, इसे या साइक्लोन का नाम दिया गया है। साइक्लोन का लैंडफॉल ओडिशा के बालासोर में होगा, इसके लिए 86 टीमों को तैनात किया गया है। इससे रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में जो दिक्कत ना हो इसकी तैयारी की गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में 11 लाख लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया है, बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि 74,000 कर्मचारियों को और 2 लाख पुलिस वालों को प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। तूफान से होने वाले संभावित नुकसान से निपटने के लिए सरकार का हर डिपार्टमेंट अपने लेवल पर काम में लगा है। आज वेस्ट बंगाल के हावड़ा से एक इंटरेस्टिंग तस्वीर आई, जहां रेलवे कर्मचारियों ने यार्ड पर खड़े ट्रेन कोचेस को चेन और ताले से बांधा ताकि तूफान से उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। जरा सोचिए, जब रेलवे को अपने भारी भरकम कोचेस को तूफान से बचाने के लिए बांधना पड़ रहा है तो बाकी लोग भी उसे फॉलो करेंगे। बंगाल में फिशरमैन ने भी अपनी बोट्स और नावों को पेड़ों से बांध दिया, क्योंकि मछुआरे काफी तूफान देख चुके हैं, इन्हें मालूम है कि तूफान कितनी तबाही मचाता है, इसलिए इनके सामने अपनी बोट्स को बचाने का यही एक तरीका होता है। अब इसे तकनीक की मदद से इस तरह के खतरों के बारे में पहले से पता चल जाता है, ये अच्छी बात है, तैयारी का वक्त मिल जाता है।
सरकार ने अपनी तरफ से तैयारी की है, लेकिन नेचर के सामने, प्रकृति की शक्ति के सामने सारी तैयारियां कम पड़ जाती हैं। इसलिए बंगाल और उड़ीसा के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है और हम सबको उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।